दिस इज़ वीडियो नंबर 4 ऑन मैथमेटिकल टूल्स एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कि अगर दो इक्वेशंस मुझे दी हों तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के कुछ मेथोडोलॉजी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, बड़े अच्छे से सीखना है। ये है भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखना, मैं दो इक्वेशंस लेता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 10 और दूसरा 2x प्लस 9y इक्वल टू 7। तो ये दो इक्वेशंस हैं आपकी, ये दोनों इक्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये वर्ड भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है एक्चुअली, अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ना हो तो क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप देखो कि ये इक्वेशंस मान लो कभी किसी क्वेश्चन को फिजिक्स में करते करते ये दो इक्वेशंस आ गई और मैं चाहता हूं कि इसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूं, तो व्हाट इज़ द मेथोडोलॉजी। दो मेथड्स जनरली मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं आपको दो मेथड्स के बारे में बताता हूं। दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फर्स्ट मेथड बेटर है या सेकेंड मेथड बेटर है। आई विल से कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर लगेगा मेथड। फर्स्ट मेथड है जिसमें मैं सब्स्टिट्यूशंस करता हूँ, जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब हुआ, देखना कैसे, मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 से दोनों में से किसी में से भी एक्स की वैल्यू निकालूंगा और सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा। मतलब इस तरह से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ एक्स की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंट कलर में लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू है 10 माइनस 3 वाई, आपको नज़र आ गया सबको। मैं वाई भी लिख सकता था, एक्स भी लिख सकता था, जो आपका मन करे वो लिखो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो लिखो। यहाँ पे इजी लगा मुझे एक्स इक्वल टू 10 माइनस 3 वाई, इसलिए मैंने उठाया 10 माइनस 3 वाई और अब मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको डाल दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये, 2 10 माइनस 3 वाई प्लस 9 वाई इक्वल टू 7। क्या बन गया ये, 20 माइनस 6 वाई प्लस 9 वाई इक्वल टू 7। ब्रैकेट को खोला मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, और ये बन गया 3 वाई प्लस 3 वाई प्लस 9 माइनस 6 क्या होता है, माइनस 6 प्लस 9 क्या होता है, ये भी सुन लो, बड़े स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं आगे जाके, करनी नहीं चाहिए वैसे आपने इस स्टेज पे आके। तो माइनस 6 प्लस 9 क्या होता है, कौन है दोनों में से बड़ा, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसलिए आंसर 3 आएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ गया, इन दोनों में से कौन बड़ा है, प्लस वाला। कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए आंसर कितना आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस कितना आया, प्लस 3 वाई, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस 3 वाई इक्वल टू माइनस 13, 7 माइनस 20, 20 जब इधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो y इक्वल टू क्या बन गया, 13/3, ख़त्म। y का आंसर आ गया, जैसे ही y का आंसर आ गया x का भी आ गया, कैसे, यहाँ डाल दो y की वैल्यू कितनी, 13/3 डालो, जरा ऐसे ही वर्बली डालो, तो 13/3 जब डालेंगे तो 3 कैंसिल होता दिखाई दे रहा है मुझे, तो 10 माइनस 13 हो गया। तो 10 माइनस 13 कितना होता है, अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख के रखोगे आप, ये 10 माइनस 13 कितना होता है, -3, इसलिए हमारे x की वैल्यू आ गई -3, हमारी x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू ये लिखी हुई है। कैसे निकाली मैंने x की वैल्यू, मैंने इस y को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ, एक फ़ायदा हो गया मुझे क्या, कि 3 कैंसिल हो गया, इसलिए वो क्या बच गया, -13। तो 10 माइनस 13, फिर से 10 माइनस 13, फिर अब माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, आंसर किस में आएगा, जो बड़ा है, कौन बड़ा है, माइनस,
तो 10-13 में कौन बड़ा है? माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस वाला बड़ा हो तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आएगा -3। तो x इक्वल टू क्या आ गया? -3। y इक्वल टू 13/3। दिस इज़ वन ऑफ द मैथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। ये एक मेथड है जो आपको सिखाया मैंने, इसमें हम किस तरह से करते हैं ये सारा प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन को करूँगा किस मेथड से, इसी क्वेश्चन को कर देंगे हम या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो कौन सा, 4x-3y = 2 और 9x-6y = 7। अब इस क्वेश्चन को क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो अभी पिछले वाला मेथड बताया, इलिमिनेशन, जो भी आप बोलते हो उसको, मेथड का नाम से हमें मैटर नहीं करता, हमें मेथड आना चाहिए, नाम को मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसको आप जो भी बोलते आए हो वो बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पीछे आपको मेथड सिखाया मैंने, उस मेथड में हमने एक एक्स को इलिमिनेट किया था, हमने एक्स की वैल्यू निकाली इक्वेशन वन या इक्वेशन टू से और उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दिया। दिस मेथड इज़ वेरी बेनिफिशियल, जो पीछे आपको अभी सिखाया, ये भी मेथड काम का है इस मेथड में। लेकिन एक चीज़ का आपको देखना पड़ता है, क्या इसको क्या करना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये सेकंड इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली, और ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में से ना आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों में से एक को कैंसिल करा सकते हो। कैसे? कैसे मैं क्या करूँगा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में, ध्यान देना, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को, ध्यान से सुनो, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करूँ, किससे? टू से मल्टीप्लाई करूँ, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इक्वेशन वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स, तो वो इक्वेशन कैसी दिखेगी? मैं लिख रहा हूं यहां, वो इक्वेशन बन जाएगी ये 8x-6y = 4। आप बोलोगे किया क्यों आपने? मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इनको एक जैसा बनाना चाहता था। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन नंबर थ्री बनी, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन वन ही है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन वन ही है, बिल्कुल है। अगर आप दोनों साइड किसी भी एक चीज़ से डिवाइड कर दो या आप मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन चेंज नहीं होती। ये दो डिफरेंट इक्वेशंस नहीं हैं, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस बिल्कुल नहीं हैं, माइंड इट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्यों? उससे वाई कैंसिल हो जाएगा। आओ जरा करके देखें क्या होता है, बड़ा फ़ायदा होता है। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है ना, तो दोनों चीज़ें सेम हो तो बीच में क्या डालो? माइनस डालो तो वो कैंसिल होता है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको कैंसिल करने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा और अल्टीमेटली आएगा x = 3। कैसे? 9x-8x, 7-4, 3। तो x = 3 आ गया। जब x = 3 एक बार आपके पास आ जाता है ना, फिर इस x = 3 को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, वन में, टू में, किसी में भी। तो मैंने कहाँ किया, मैंने मान लो वन में किया, तो ये बन गया 12-3y = 2, यानी कि -3y = -10, यानी कि y = 10/3। y = -, कैंसिल हो जाएगा, y = 10/3। तो x का आंसर भी आ गया, y का आंसर आ गया, y = 10/3 आपको नजर आ रहा है, y मैं लिख देता हूँ y = 10/3। तो ये मेथड है, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है, आपको करना भी चाहिए अपने तौर पे। एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करके उसके आंसर सेम लाओ, आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं कि हमने ठीक किया कि नहीं किया। नहीं आएगा तो पूछो कि भाई क्या गलती हुई हमसे, ठीक है। तो ये था दूसरा मेथड, और यही दो मेथड मैं यूज़ करता हूँ जनरली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशंस को, तीन इक्वेशंस के लिए डिफरेंट मेथड आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सिखाऊँगा, ठीक है। अभी आप इन्हीं ये चीज़ें, इनकी प्रैक्टिस आपने 10th में की है। जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू द ओवर व्यू कि भाई वट इज़ गोइंग ऑन, ये हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या यूज़ होने वाला है फिजिक्स में। अगर हमारी फिजिक्स की कॉपी में पहले से पढ़ा होगा तो पूरा मैं मैथ खोलने की जरूरत नहीं है, मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना काम का है,
तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।